Hello everyone, how are you? Welcome to my class. Today we are going to discuss on polarity in a molecule. आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कैसे पता लगाते हैं वो सीखना है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए मान लीजिए मेरे पास किसी ग्रुप के कुछ मॉलिक्यूल है. मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ये रहा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ये फोर एलिमेंट है आपके पास और इनका कोई मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं. जैसे मान लीजिए कोई हाइड्राइड बनाना है इसका तो क्या बनेगा? अमोनिया यानी NH3. इसका हाइड्राइड क्या होगा? PH3. इसका हाइड्राइड होगा ASH3. इसका हाइड्राइड होगा SBH3. ये चार मॉलिक्यूल आपको एक ही ग्रुप से रिलेटेड है. डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन चार मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए कि पोलैरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए या पोलैरिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, तो हमें सभी की पोलैरिटी मालूम होगी तभी तो लिखेंगे. इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं. आपको सिंपली याद रखना है ये फॉर्मूला, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी. वो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर बॉन्ड होगा. तो यहां पर आपको मान लीजिए इनमें पूछा जाए कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो आपको सिंपल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए. यानी हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, तो फिर यहां हम इसका डिफरेंस निकाल पाएंगे. तो देखिए इसमें क्या होगा और आगे चलते हैं हम. इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0. इसमें मैं बताने वाला हूं फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0 और एंटीमनी यानी SB इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.9. और लास्ट में मुझे सबके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन. तो यहां पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है 2.1, फास्फोरस के बराबर होती है. अब हमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो मोर पोलर होगा और उसके बाद हम उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं. तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं N और H की. इसमें बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे? P और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें AS और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसमें SB और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो देखिए यहां पर मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस इन NH3. NH3 की जगह आप क्या लिख दो? N सिंगल बॉन्ड H, अमोनिया का ही है मॉलिक्यूल, तो इसमें NH में आपको निकालना है. तो देखिए ये कितना होगा, N का होता है 3.0,
जीरो और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, तो डिफरेंस कितना आएगा 1, डिफरेंस कितना आएगा 0.9 का, 0.9 ये आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अमोनिया के अंदर NH में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ 9.1। अब आपको यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें बताना है, P और H के बीच में, क्योंकि डिफरेंस बता रहे हैं तो P का कितना है 2.1, तो यहां पर लिख दीजिए 2.1 माइनस 2.1, आंसर क्या आएगा 0.0। अब मुझे ये डिफरेंस निकालना है किसमें, AS और H में, AS और H में निकालना है ये डिफरेंस। देखिए ज्यादा किसका है, AS का ज्यादा है कि H का ज्यादा है, तो देखिए AS का है 2.0 और H का कितना है 2.1, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2.1 माइनस H का हो गया और AS का कितना है 2.0, तो डिफरेंट किसमें निकल रहा है, अगर इसको AS और H में, H का ज्यादा है तो H मैंने यहां लिखा है और AS को यहां पर लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 आंसर आ जाएगा। अब ये डिफरेंस मुझे निकालना है SB और H के बीच में, SB और H के बीच में, अब देख लीजिए किसका ज्यादा है, SB का है 1.9 और H का है 2.1, तो H को पहले लिख लेते हैं 2.1 माइनस और कितना है 1.9 कितना डिफरेंस आएगा, ये आ जाएगा 0.2। देखिए सबके मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना आपको बताया है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो किसका हो रहा है, अमोनिया का, तो यहां पर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कितना है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है अमोनिया, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, अमोनिया होगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आया है, तो पहले 0.9 लिखेंगे, ये अमोनिया का होगा। दूसरे नंबर पे आ रहा है SbH3, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है SbH3, तीसरे नंबर पे देखिए इससे कम पोलैरिटी किसकी है ASH3 और सबसे कम किसकी है PH3, तो देखिए सबसे ज्यादा मोर पोलर हुआ और ये सबसे लीस्ट पोलर, लीस्ट पोलर का मतलब है ये यहां पर नॉन पोलर है, सभी में कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलैरिटी सबसे ज्यादा अमोनिया की है, उससे कम SbH3 की है यानी स्टीबीन की है, उसके बाद आर्सिन यानी ASH3 की है और उसके बाद फॉस्फीन यानी PH3 की है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर पोलैरिटी बता सकते हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखिए, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हम राइट आंसर दे सकते हैं, वरना आप किसी एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर आप याद कर लेते हैं इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो ये ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आना बहुत कंपलसरी है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।